अस्सलाम वालेकुम, आप न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूं मरियम जफर। और मैं हूं नवीद बिलावल। सबसे पहले आपकी हेडलाइन। खैबर पख्तूनख्वा में जम कबायली अजला के लिए आज तारीखी दिन। पहले सूबाई इंतखाबात के लिए वोटिंग के आखिरी दो घंटे बाकी। 16 नशिस्तों के लिए 28 लाख वोटर्स 5 बजे तक वोट डाल सकेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा मोहम्मद का कंट्रोल रूम का दौरा, शिकायत सेल का जायजा लिया। बड़ी खुशी हुई है कि इतने ज़्यादा लोग आए, उन्होंने भी वोट कास्ट किए। फर्स्ट टाइम फीमेल कड़ी है और वो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा पोस्ट कास्ट किए कि इस उम्मीद के साथ कि कोई अच्छी सी तब्दीली आएगी। कबायली असला के इंतखाबी अमल में खवातीन पहली बार शरीक, अपने नुमाइंदे चुन कर इलाके के मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म। बुजुर्ग और खसूसी अफराद भी बड़ी तादाद में हक रायदही इस्तेमाल करने पहुँचे। और अज़ई में अफसोसनाक वाक़िया, वोटर्स की गाड़ी खाई में जा गिरी, दो अफराद जा बहक, 5 जख्मी हो गए। वजीर आजम इमरान खान 3 रोजा दौरे पर अमरीका चले गए। पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करेंगे। 22 जुलाई को सदर ट्रंप से मुलाकात होगी। दोहा एयरपोर्ट पर वजीर आजम से कतर एयरवेज के सीईओ की मीटिंग। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी वाशिंगटन में वजीर आजम के मुंतजर। कैपिटल वन एरिना का दौरा, कम्युनिटी इवेंट के इंतजाम देखे। कहा इमरान खान अमेरिका में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ेंगे। हम एड की नहीं ट्रेड की बात कर रहे हैं, अमनो इस्तेकाम की बात कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी तहरीक अदम एतमाद के मुकाबले के लिए तैयार। हिजब इख्तिलाफ के खत के जवाब में लिखा, अपने लिए नहीं ऐवान के तकद्दस के लिए खड़ा हूँ। नताइज से बेपरवाह होकर चेयर की रूलिंग का तहफ्फुज़ करूँगा। चेयरमैन सेनेट का अपोजिशन की रिक्विजिशन पर इजलास बुलाने से एक बार फिर इनकार। लाहौर मॉडल टाउन में अपोजिशन की बैठक। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF और ANP की शिरकत। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और यौम सयाह से मुतालिक उमूर पर गौर। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी हुआ। गिरफ्तारियों और हालिया सूरत हाल से मुतालिक हिकमत अमली तय। मुआवन खसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, आवाम को जोंकों की तरह चूसने वालों ने असासे बचाए और बैठक लगा ली। सियासी ग्राउंड के 12वें खिलाड़ी मौलाना फजलुर रहमान उनकी नैया कैसे पार लगाएंगे? जो पार्लियामेंट से बाहर हैं वो चेयरमैन सेनेट की तब्दीली में क्या मुआवनत करेंगे? जज अरशद मलिक की मुतनाज़ वीडियो असली है। ऑडियो और वीडियो में भी एडिटिंग नहीं की गई। फ्रेंसिक लेबॉरेटरी की रिपोर्ट FIA को मिल गई। तर्जुमान वजीर आला पंजाब शहबाज गिल की रिपोर्ट मिलने की तरदीद। शरीफ फैमिली के मुंजमद अकाउंट्स में रकम मुंतकिल करने वालों और सहूलतकारों को सजा मिलेगी। नैब ने बैंकों को हिदायत जारी कर दी। रमजान शुगर मिल केस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ लाहौर एहतसाब अदालत में पेश। जज के रूबरू बयान में हमजा शहबाज को पेश न करने पर नैब पर चढ़ाई कर दी। समाअत 1 अगस्त तक मुलतवी। गिरगित एयरपोर्ट पर PIA का ATR तैयारा कच्चे में कैसे उतरा, तहकीकात जारी। खातून पायलट मरियम और को पायलट वकास का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड। इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने तक ग्राउंड कर दिया गया। रनवे क्लियर होने के बाद परवाजों की आमदोरफ्त जारी। जमीन खा गई या आसमान निकल गया, 21 घंटे गुजर गए। सक्खर क्विंस रोड से लापता 6 बच्चों का पता न चला। अहले खाना के मुताबिक बच्चे शाम को क्रिकेट खेलने के लिए निकले, फिर वापस न आए। भारत ने सरहद पर अमन गारत कर दिया। मुख्तलिफ सेक्टर में बिला इश्तियाल गोलाबारी से 3 अफराद जख्मी, हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
भारतीय फौज धर्मसाल, समाहनी, पूंछ, भिम्बर में सिविल आबादी को निशाना बना रही है। मुतअद्दिद मकान तबाह, मवेशी भी हलाक। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस की समाअत, अदालत ने मुलजिम आतिफ जमान के जिस्मानी रिमांड में दो रोज की तौसी कर दी। पुलिस सर्जन से भी रिपोर्ट तलब। मुलजिम के मामू ने निजी अस्पताल का बिल अदा करने की यकीन दहानी करा दी। मुलजिम आतिफ जमान ने शराकत दारों से कितने पैसे लिए, पुलिस ने पता लगा लिया। 26 सरमायाकारों के वाजिबात 1.5 अरब से जायद निकले। 30,15,20,000 मुनाफा देना था। मोहम्मद यासिर ने सबसे ज्यादा 51.5 करोड़ रुपए लगा रखे थे। एंकर मुरीद अब्बास के 12.5 करोड़ लगे थे। खटमंडों में बॉडी बिल्डिंग मुकाबले, 8 ममालिक के तनसाजों में पाकिस्तान नुमाया। सीनियर मेंस कैटेगरी में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए। 2020 में साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप की मेजबानी भी मिल गई। चीन में गैस प्लांट में धमाका, 10 अफराद हलाक, 19 जख्मी हो गए। 5 मजदूर ताहाल लापता। धमाके से 3 किलोमीटर तक इमारतों के शीशे टूट गए। अमरीका और बरतानिया की ईरान के साथ कशीदगी जोर पकड़ गई। ईरान ने अपना तेल बरदार जहाज पकड़े जाने पर जवाबन बरतानिया के 2 जहाज पकड़े, एक को छोड़ा, दूसरा छोड़ने से इनकार। बरतानवी वजीर खारजा जेरमी हंट कहते हैं, जहाज जल्द नहीं छोड़ा गया तो संगीन नतायज भुगतना पड़ेंगे। सऊदी अरब अमरीकी फौज का मेजबान बन गया। फरमारवा शाह सलमान ने तैनाती की मंजूरी दे दी। वजारत दिफा का कहना है, अमरीकी फौज तैनात करने से खित्ते के अमन व इस्तेहकाम में इजाफा होगा। और कारों के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर, अमरीका की स्पोर्ट्स कार शेवरले कोरेट का नया मॉडल मुतारिफ करवा दिया गया। कीमत $60,000 मुकर। और ब्रूसली जैसा कोई नहीं, मार्शल आर्ट की दुनिया के किंग को दुनिया छोड़े 46 बरस बीत गए, नाम आज भी जिंदा। बरसी पर कई ममालिक में तकरीबात, मद्दाहों ने यादों के दिए जलाए। ये थी आपकी हेडलाइन। आपकी मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद।